Gustavo Chopisla, Augustin Tehranlisi. Bu sizin ürünizin doğuş yerinin anlasına bir bağlı makara cahit. Cüldeye sınırsız tabiben sağ vermek bulu e. Arabi sahibi ki bağlı cevabı yapıyı ki ağız mı bağçik kerti cahit. Ve yasa bağ ki jab bu bağçik or kuş bağç kerti ki. Tu Jesu ağ nezdi bağlar unke sağ. Bolia, lekin unki aankhein band ki gayi thi taki usko na pehchan. उसने उनसे कहा ये क्या बातें हैं जो तुम राह में आपस में करते जाते हो। वो गंभीर से खड़े हो गए और उनमें से कलापा नामी ने जुबा में उससे कहा क्या यरूशलेम में तू ही एक मुसाफिर है और वह तो उन बातों से नावाकिफ है जो इन दिनों उसकी वाकया हुई है। उसने उनसे कहा कौन सी बातें। उन्होंने उससे कहा कि यीशु नासरी की बाबत जो नबी मर था और खुदा और सारी उम्मत के नजदीक काम और कलाम में सारी कुदरत था जिस सरदार कानून और हमारे सरदारों ने कदर के लिए हवाले किया और मसरूर किया मगर हमें तो उम्मीद थी कि यही इसराइलियों को मुकदसी देगा और इन सब बातों के अलावा इन वाकियात को आज तीसरा दिन हुआ है और हम इसे चर और हमको हैरान कर दिया है कि उतर के उसकी कब्र पर गए और उसकी लाश को ना पा कर आए और बोले कि हमने फरिश्तों की रौयत देखी जो कि कहते थे कि वो जिंदा है और बाद ने हमारे साथियों में से कब्र पर जाकर जैसा कि उन औरतों ने कहा था वैसा ही पाया मगर उसको ना देखा। तब उसने उनसे कहा ऐना बैन और नबियों की सब बातों के मानने में सुस्त इत्तेहाद क्या जरूर ना था क्या मसीह ये दूध उठाए और इसी तरह अपने जलाल में दाखिल हो और तरह के मूसा और सहाबी अंबिया से शुरू करके सब नबी नबी जितनी बातें उसके हक में लिखी हुई थी उनको समझाते इतने में वो उस गांव के नजदीक पहुंच के जहां हो जाते थे और उसके अतबार से ऐसा मालूम हुआ होया कि वो आगे बढ़ना चाहता है। तब उन्होंने ये कहकर उसे बारिश करार होगा कि हमारे साथ है क्योंकि शाम होने लगी है और दिन बहुत ढल गया है। बस वो अंदर गया ताकि उनके साथ रहे और ऐसा हुआ कि जब वो उनके साथ खाना खाने बैठा तो उसने रोटी लेकर बरकत चाही और बोलकर उनको देने लगा। इस पर उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसको पहचान लिया और वो उनकी नजर से गायब हो गया और उन्होंने आपस में कहा कि जब रावी वो हमसे बातें करता और हमारे लिए भविष्यों को उत्कर्षित करता था तो क्या हमारा दिल पुरजोश ना हो गया था। और उसी खड़े उठकर वो यरूशलम को वापस गए और उन ग्यारह और उनके साथियों को इकट्ठा पाया और वो ये कह रहे थे कि खुदा सचमुच ऊँची उठा है और शमाओं को दिखाई दिया। तब उन्होंने सब कुछ बयान किया कि रामी क्या क्या हुआ और क्यों कर उन्होंने रोटी तोड़ने के वक्त उसे पहचान। मुकदस की वसीला से